भारतीय जनता पार्टी की जो तानाशाहीपूर्ण रवैया है वो लोकतांत्रिक मूल्यों को मर्यादाओं को हमेशा तार तार करता है। नमस्कार, मैं नाजमिन खान और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज। मध्य प्रदेश से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी लगातार भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर साबित होते हुए नजर आते हैं। जीतू पटवारी लगातार नए मुख्यमंत्री मोहन सिंह यादव की कमियों को गिनवाने में सामने आते हैं। इतना ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी जिस विचारधारा पर चल रही है, भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से योजनाओं को लेकर सामने आती है, और भारतीय जनता पार्टी की बात करें जो केंद्र में है और जिनकी बदौलत किसान आज फिर से आंदोलन करने पर मजबूर हैं, उन्हीं किसानों का समर्थन करते हुए, उन्हीं मजदूरों का समर्थन करते हुए यहाँ पर जीतू पटवारी कई बड़े बयान देते हुए नजर आते हैं। क्या कुछ कह रहे हैं जीतू पटवारी, देखिए ये रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी की जो तानाशाहीपूर्ण रवैया है वो लोकतांत्रिक मूल्यों को मर्यादाओं को हमेशा तार तार करता है। सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया कि सबसे बड़ा करप्शन अगर कोई हुआ तो चुनाव के झंडे के माध्यम की नीति से, और जो 70 साल कांग्रेस पार्टी को सबसे ज़्यादा आरोप लगाने वाले लोग थे, उन लोगों के खातों में हजारों करोड़ रुपये 5-7 साल में चले गए और 70 साल में कांग्रेस पार्टी के पास सैकड़ों करोड़ भी नहीं आए। ये एहसास क्या कराता है कि करप्ट सत्ताधारी लोग नरेंद्र मोदी है, भारतीय जनता पार्टी। अब अलोकतांत्रिक इतना कि सैलरी जो दी गई कर्मचारियों को उसके खातों को सील कर दिया बिना बताए, ये व्यवहार भारतीय जनता पार्टी का, उसकी एजेंसियों का। मैं मानता हूँ कि देश देखे समझे और इस क्रूरता और अन्यायपूर्ण कार्रवाई के लिए नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार दोषी है। कांग्रेस ने अपनी पूरी बात नेशनल स्तर पर कही है और आने वाले समय में जनता देख के उनको सबक सीख। सर, आज बार उद्घाटन हो गया लोकसभा की तैयारी। नेचुरल है, स्वाभाविक है कि हमने बार रूम लोकसभा के लिए स्थायी रूप से चालू किया है, जिसमें राजनीतिक गतिविधि, राजनीतिक विचार आदान प्रदान, कन्वर्सेशन, इस माध्यम से आपकी नीतियों को जन जन तक सोशल मीडिया के माध्यम से, IT के माध्यम से कैसे पहुँचाई जाए, जूम मीटिंग के कंसेप्ट को और ताकत कैसे दी जाए, इस नई विधा को ईजाद किया गया है जो लोकसभा चुनाव को दृष्टिगत तो है ही है। उसकी डेस्क बनाई गई लोकसभा वाइज और उसके रिक्रूटमेंट किया गया, उसके साथ साथ स्थायी रूप से इन हाउस इस तरह का प्रोसेस कांग्रेस पार्टी ने चालू किया मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी में, जो 5 साल 24 घंटे जैसे दूसरे विभाग डिपार्टमेंट काम करते हैं वैसे ही वारूण। जीतू पटवारी ने एक बार फिर से यहाँ पर कर्ज माफी को लेकर एक मुद्दा उठाया कि कैसे सरकार यहाँ पर बातें तो करती है कि हम मुआवजा देंगे, बातें तो की जाती है कि हम उनकी भलाई के लिए काम करेंगे, चाहे वो किसान हो चाहे वो मजदूर हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उनके लिए काम नहीं करती है। कितना कर्ज यहाँ पर चढ़ जाता है और कैसे यहाँ पर मजबूर हो जाते हैं आंदोलन करने के लिए किसान और कई और संगठन, इसी बात को बताते हुए जीतू पटवारी ने भारतीय जनता पार्टी पर हमला साधा और हमला साधते हुए सीधे तौर पर ये कहा कि लोकसभा का चुनाव है इसलिए भारतीय जनता पार्टी अपने ऊपर कोई भी दाग लगने देना नहीं चाहती है। लेकिन क्या जीतू पटवारी के बयान के आधार पर किसान आंदोलन के जरिए क्या सरकार को झुकना पड़ेगा? क्या लगता है आपको, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। देखते रहे SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।